हाँ छे इथे रख इन पा ला ठीक है। लो जी बारिश चंगी भली होनी शुरू हुई है, कुछ कबूतर वड़ गए अंदर। एक बेचारा मेरे रखा मीह बाहर ही है, स्कूटर भी मेरा बाहर खड़ा है, माइकल होनी वह बैठे है, बाकी सारे अंदर से मैं लगा है पानी पुनी मारन से चाहना कि बारिश आ गई। असलामुअलैकम ते की हाल है सब दोस्तों का, उम्मीद करते हैं खैर नाल होणगे। सारी रात बारिश ने तंग ही किया, एवं झूठी बारिश आती रही, कभी चार कणियां आ जाने कभी नहीं आदियाँ, कभी मंदिर पै जाने कभी उठ के बाहर पै जाने। फिर मैं कितना एक मंजा अंदर डालिया एक बाहर डालिया, अंदर गर्मी बड़ी सी, बाहर ठंडी हवा चलन लग पी, हल्की हल्की बारिश होने लग पी, बारिश रुक गई। पर रात दी जाके हुण पौने 7 बजे बारिश शुरू हुई है जी, वेखो ते हुण जरा इस रुख नूं बारिश आ रही है। अज असी जाना भी सीगा कन कटवाण वास्ते जानदा दे, बरहाल साढ़े को उधर भी नहीं जा होना हूँ, क्योंकि मेरा इरादा सी मैं बारिश लगता सवेरे पै जानी और साढ़े जाण दा टाइम से मैं काम कूम वेट के निकलते हैं तो बारिश शुरू हो गई जी। दोस्तों तो कम शाम नबेड़ के जनाब हम चले हैं, ठीक है जी। एक नू बाहर छड़िया हो, एक नू लैके आना तो बोरे पैक करके रक्शे से लैके चले, दोनों नाल खोली दरवाजा जरा, दोवों नाल लैके चले हैं जनाब अपना इन्होंने कन कटवाने वास्ते। देखो बड़ा बेताब जहा दरवाजे पैर मार रहा है, बारहों दरवाजा लाया हुआ, मैं कहना बोरे पैक करते हैं ठीक है, तो दूसरा जोड़ा वो इतने बन के ला जाने, लैके चले हैं जनाब इन्होंने कन कटवाने वास्ते। कन कटवा के भाई ने जनाब भजवाइए क्योंकि गर्मी बड़ी है, तो साड़ी कोई टेंशन मुके दरा मोती आ जा जा मोती मोती अंदर नस गया जी। हाँ कन कटाने ही हो, कन कटाने ही बोलता नहीं, कन कटाने के नहीं है, नहीं कटाने तू कन क्यों नहीं कटाने, कटाने कटाने तेरे अगले साइया ने कहा तू कटाने, तेरे कटाने कटाने भौंकदा। मैं तेरा छड़े मैं पेशाब शूब कर ले फिर इन्हू पैक कर दे, अजे दिन खड़ा जी पौने 6 हो गए असं निकलन लगे इतों जी हूँ। लो जी मौसम तो कुछ बेहतर हो गया, अजे ताला लाता जला खैर करे असं निकलन लगे हैं, चले हूँ जन कन कटाने लिए। जिस बंद सू लैके जाना वा उन्हें नंबर नहीं लग रहा अजे ना मेरे, सानू तकीर भाई ने लैके जाना अजे, एक नू आ बन लिया जे एक नू असी आ पैक कर लिया, तो असं लैके जनाब हूँ निकलन लगे दोवों। चलो जी सफर मुकण का ना नहीं लै रहा दोस्तों, अभी तकरीबन जनोड के लागे लागे पहुंच चले, पता लगे साडा हजे सफर नहीं मुक रहा, दूआ दू जाई जा रहे जाई जा रहे, वेखो दिन डुबन आला हो गया जी, ਐ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਅਦ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਹਲੇ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ। लो जी सज्जनों बेलियो ते इंतजार कर रहे हैं जी सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते आप माही किथे रह गए जी, असि आ वेलो नहर वाले पुल ते इत्थे पहुंच गए हैं जी, ते पानी बड़ा टटम टाट आ रहा, ते शूटर शूट ही पानी आ रहा जी, तकरीबन मगरब दा टाइम होने वाला वा, ते हले भी असि अपने मकाम ते नहीं पहुंचे जी, अगो लड़का आ रहा वा, लड़का आएगा ते फिर जावांगे। ते आ वेखो जी बड़ा जालम पानी आ रहा शूटर शूट, ते अजाना शुरू होण लगियां जी, नेरा सानू तकरीबन होने वाला वा, तो हले असी अगे भी मेरा ख्याल तक 8-10 किलोमीटर अगे भी जाना वा, पौने 6 बजे के निकले तकरीबन, तो इस टाइम 7:08 हो गया सानू, वाहवा टाइम आ हले भी 15-20 मिनट मेरा ख्याल अगर सानू लग जाने, पहुँचने पहुँचने, तो वेखो हूँ कन कट्टे जाते या नहीं कट्टे जाते की बनता, उत्थे जा के पता चलूगा। हूँ जी हूँ पहुंचे हैं इतने कतूरे लैके जी, रात हो गई वेख लो नेरा हो गया जी, तो लाने हूँ लो जी इन्हू लिया जी चक कछ जी, एक नू लैके तकीर भाई तुरे जा रहे, मम्मी जनाब तुरिया जा रहे हैं जी, नेरा वेख लो कि जी हलो, हाँ कछ जी दिता जनाब तो तुरे जा रहे, अल्लाह खैर करे, देखो हूँ पहुँच दिया जी तुहानू दिखाने अगे फिर मोती दरा देख देख दे भौंकदा इतने आ गए जी, मैं उन्होंने बनाओ या लिया लाइट चल से बंद देने दरा इतने पर इतने अद रखना बंद इतने बस इन्हें डंगर गण माइए खुल भी सौखा जाए। लो जी बाबे ने कहा यह तो वड्डा हो गया जी, इन्हें कान से यह ना मुड़ के ब्लीडिंग ना रुके, तो दुए तो लगे हैं पहले कट्ट, मैं कहते तो कट्टी गया पहले टाइम नाल, तो इन्हें लगे इतने बनने से हम सही करके बनी, इन्हें बारी तो आ गई है जी, इन्हू तो लगे पहले लम्मा पाँ ठीक।
ठीक है साढ़े नाल तकीर साहब ने इन्होंने मेहरबानी है भाई सानू लैके आए मेहरबानी तकीर साहब थोड़ी अज तकीर भाई का मैच है तो मैच को स्किप करके जनाब तो सानू लैके इधर आए है तो मुंडिया नू कह के आए जरा 10-15 मिनट इंतजार करो मेरी मेहरबानी इन्हों की भाई ठीक है तो ऐच लगो जी इन लगे कान कटाउन तो कहती वारी आ गई पहले तो उनका अच्छ बाद देखते हैं की करना है ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਸਹਿ ਕਰਨਾ ਕੱਟਣੇ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਟਾਉਣੇ ਕਲਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਹੀ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਮਰਦੀ ਕੱਟ ਲੋਗਾ ਉੱਡੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮਲੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਟਵਾ ਲਏ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾ ਕਟਾਓ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾ ਛਾਂਡੇ ਛੁੰਡੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਖਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਲੱਡ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰੁਕ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ 6:45 ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9 ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਿਖਾਈ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਕਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਨ ਕਟਾਓ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਟਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਟਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਕੱਟਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੰਨਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਔਰ ਸੋਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਆ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲੀਏ ਜਨਾਬ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਬੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਓ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰੁਮਾਲ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੌਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਫਾ ਸੂ ਸਾਰੀ ਲਾ ਲੂ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਖਲਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁਣ जनाब डेरे ते असीं पहुंच गए हां हुण इहनां लै के चले अंदर ले जाके छड्डदे हां इहनां रोटी पानी नहीं सी खिलाया मैं कहा हो सकदा बेहोश करने पै जाण क्योंकि भुखा ढिड होवे जानवर बेहोश सही हुंदा आ तो हुण चलें रोटी पानी खिला के फिर जाके आप भी खाने हां ते तकरीबन 11:45 बजे दा टाइम हो गया वा इन्ना असीं लेट हो चुके हां जी लो जी इहनूं ते देण लगे हां बन्न इत्थे ठीक है ते हुण इहदा मैं तुहानूं निक्का विखाउणा आ चौधरी जरा हां सुणा काती लगी तेरी नवीं लुक पसंद आई कि नहीं चल कपड़े कपड़े ला दे हुण ला दे मेरा पुत कपड़े अच्छा अच्छा ठीक है पता तो चुभदे होने नहीं खून सुक गया जी हुण की निकलना खून गंड खोल के इधर देख गंड खोल के मैं लाउना इहनूं है ते रोटी पानी खिलावा कैसी नवीं लुक निकल आई बड़े सोहने तकोन जो हो गए पेंटर लगता ही ना हूं तो बोली बन गया काका वह आ गया भज के ना हड्डिया वो गोश्त नहीं खाना वो तेरी मां हड्डिया हड्डिया तेरे को चेत होने आज मैं यखनी जी पाई है जी नाल हूँ रोटियां पाई ने तो कहना मैं घर आनी रोटियां खिला तो घर वाली रोटी तो खानी है लुंडी ब्रांड ने मैं रोटी खिला के इन्हों जावा अभी खा रहा रोटी माशाला देख लो हालांकि कन्न कटा के लिया जानवर परवाह को नहीं फिर भी वो लड़ोंगे लड़ोंगे लड़ोंगे
ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਫੜ ਲਵਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਖਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਨਾਬ ਘਰ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੰਨ ਵੀ ਤੇ ਕਟਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਲੋੜੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਜਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।